सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद रोहन। एंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ रिंग लाइट। सो काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं रिसर्च कर रहा था कि एक रिंग लाइट लेनी थी, क्योंकि लाइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वीडियो फिल्मिंग का। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी और फिर मैं ये डिसीजन पे आया कि रिंग लाइट एक इकोनॉमिकल लाइटिंग सेटअप रहेगा, बिकॉज अगर आप इससे ऊपर के सेटअप देखोगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मेरा बजट रफली अराउंड 5000 से 4000 का था। तो ये मैं आपको दोस्तों प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा, ये मुझे 3800 रुपीज़ की कॉस्ट करी थी। यहाँ चांदनी चौक में एक कैमरा मार्केट है जिसका नाम है कुच्चा चौधरी मार्केट, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डील पे सारे सेटअप्स और चीज़ें मिल जाती है अगर आपको फिल्मिंग से रिलेटेड चाहिए। तो मैं भी आपको बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप देख सकते हो उधर मार्केट में जाके। अभी अगर आप ये ऑनलाइन मंगाओगे तो इसकी प्राइसिंग चल रही है वो है 4200 के अराउंड। उसमें भी काफ़ी सही चीज़ है अगर आपको इंडीड, अगर आप कुछ भी यूट्यूब पे फिल्म मेकिंग करते हैं, मतलब वीडियोस बनाते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए भी रिंग लाइट काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको एक कैरी केस मिलता है रिंग लाइट के ऊपर वाला पार्ट को कैरी करने का, बट स्टैंड के लिए आपको कोई कैरी केस नहीं मिलता, स्टैंड ऐसे आता है। बाकी कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको इंटेंसिटी कंट्रोल मिल जाता है, मतलब आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि कितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए, और इसमें आप येलो कलर की वो भी कर सकते हो, मतलब इसमें एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक वाइट और एक येलो। तो आप एक नॉब को रोटेट करके उसको येलो कर सकते हो, और इसमें आप अपना, आपको एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। तो अगर आपको फिल्मिंग करनी है अपने मोबाइल से तो आप इस पर लगा के कुछ भी शॉर्ट्स या कुछ भी बना सकते हो आसानी से। बाकी जो इसके स्टैंड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मेटल का स्टैंड है, जैसे कि आप देख सकते हो 3 सेक्शंस है इसमें, मतलब आप इसको काफ़ी हाइट तक लेके जा सकते हो। और शॉक अब्जॉर्बर है ये जो इसके नीचे का स्टैंड के लेग्स है, और इसमें 1/4 माउंटिंग थ्रेड है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से सेटअप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप खोलोगे, मतलब आप ऐसे फ़ोन का होल्डर लगा सकते हो, उधर एक ऑप्शन होता है माउंटिंग का, और ये रहा इसका माउंटिंग थ्रेड। तो आपको बस अपनी रिंग लाइट इस पे रखनी है, और जो ये दो पार्ट्स है, जो दो स्क्रूज है, उसको आपको टाइटली लॉक इन करना है। और ये जो ऊपर वाला है, इससे आप लाइट को बेंड कर सकते हो किसी भी एंगल में, मतलब अप या डाउन, और जब आप इसे टाइट करोगे तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ इसका स्टैंड दिखता है, और ऐसी लाइट लगती है जब आप इसको फुल्ली सेटअप कर देते हो, तो काफ़ी सही है, मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है। और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, ये रहा डिजिटेक का लोगो, और ये रहे इसके 3 फ्लिप्स। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आपको किस डिज़ायर में आपको शूट करना है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे कि बस आप इसको एक जगह, मतलब फिक्स नहीं होती, आप इसको अलग अलग तरीके से ऊपर और नीचे कर सकते हो। और ये रहा, यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगा सकते हो अगर आपको इस पर रखना है तो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी पावर कितनी है। तो लाइट बंद हो रखी थी, और अभी दोस्तों जैसे देख सकते हो कि मैंने लाइट जलाई, और ये कितनी पावरफुल है इसकी लाइट। और अगर आप इसको ज़्यादा देर जला के रखते हो तो आपको एक हीट महसूस होगी, मतलब गर्मियों में तो अगर आप इसके सामने फिल्म करते हो तो आपको एक वार्म्थ महसूस होगी इसके सामने, इतनी स्ट्रांग है ये। और इसमें ये रहा दूसरा कलर ऑप्शन। इसमें दोस्त एक RGB वाली भी आती है, मतलब उसमें और भी कलर्स होते हैं, बट आई गेस वो थोड़ी सी कॉस्टली है, रफली अराउंड 5000 to 5500 के अराउंड। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।